अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और इसी उम्मीद में आज का व्लॉग करता हूँ जी शुरू। तो अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आप लोगों को पता होगा कि मुल्तान में था मैं, और मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे कज़न की तबीयत है वो ज़्यादा ख़राब है। उसके अलावा अगर कोई आगे फर्दर प्लान हुआ तो मैं जो है ना वो शेयर कर दूँगा। तो सीन्स ये कि रात को जो है मुल्तान से वापस आ गया था, आज है 16 जुलाई और कल थी 15 जुलाई। तो कल कज़न की बर्थडे भी थी तो उसकी हमने बर्थडे भी सेलिब्रेट की थी हॉस्पिटल के अंदर। अच्छा जी, अभी हम करने लगे थे नाफे की बर्थडे। ये जो है ना बेबी मुंह फुला के बैठा हुआ है, ये इसका केक भी आया हुआ है, बस जो बच्चा है ना हमारा उसने मुंह फुलाया हुआ है। अभी ये जो है ना ये अपना बैंगला चेंज करा के आया है, ठंड भी लग रही है इसको, हालांकि पसीना पानी हुआ हुआ है। हैप्पी बर्थडे चाची, आप हाथ पकड़ने साथ, कोई मसला नहीं। बर्थडे टू यू एंग्री नाफे। आगे हमारा प्लान ये बना है कि हम लोगों ने डॉक्टर से मुशावरत की है और सब ने ये कहा है कि हम इसको जाएँ SIUT, जो कि बहुत बड़ा इदारा है पाकिस्तान के अंदर और दुनिया में इसका बहुत बड़ा नाम है। तो वहाँ जाके जो है इसका फर्दर इलाज करवाया जाए, क्योंकि वहाँ पर जो इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो रहा है और डिजीज कोई पता नहीं है। तो आज का जो हमारा प्लान है वो उधर कराची जाने का है, मैं और साथ मेरे दो कज़न्स जाएंगे, उसके अलावा चाचू चाची और जो कज़न नाफे हैं वो जाने वाले आएंगे प्लेन पर। तो हम लोग आज जाके टोकन वगैरह ले लेंगे वहाँ का, और जैसे ही वो लोग कराची आएंगे तो उसी दिन जो है ना उसको एडमिट करा देंगे या फिर चेक करवा लेंगे डॉक्टर से, जैसे वो मतलब मुनासिब समझेंगे तो वैसे जो है ना हम लोग आगे कर लेंगे प्लान हमारा। तो सीन ये हैं कि आज शाम को हमारी ट्रेन है तो इंशाल्लाह ताला कराची चलेंगे हम। सबसे पहले जो है नाश्ता कर लेते हैं और फिर चलते हैं जी बाहर, नमाज़ पढ़ के आते हैं। तो सीन ये हैं कि अभी मैं जा रहा हूँ टिकट कटाने के लिए ट्रेन की। बाबा आए तो उन्हें कहा जाकर टिकट कटाओ, ये खड़ा जी बाइक हमारा, चलते हैं हम टिकट कटाने के लिए। रास्ते में से कज़न को लेंगे और फिर निकलते हैं। तो टिकट जो है मैं करवा आया हूँ और मिली बहुत महंगी है टिकट्स ना, ये तकरीबन ये थी 5,200 की और मुझे पड़ी है 6,200 की, क्योंकि टिकट्स सारी बिक चुकी थी और जो टिकट्स थी और जहाँ से मिल रही थी वो दे रहे थे ब्लैक में टिकट्स ना। तो ये ब्लैक में कहाँ टिकट मिली है, बस पाकिस्तान का कोई हाल है नहीं, हर जगह ही सिस्टम है। हालांकि टिकट्स मुझे अच्छी खासी हैं पड़े कि वो नहीं दे रहे, उन्होंने कूली और टिकट्स दी हुई हैं, तो जाके बात करो कूली से, वो तुम्हें जितने मर्जी की टिकट दे दे, इसका जो दो लग गया। तो ये बड़ी मुश्किल टिकट्स मिली, और टिकट्स मिली भी आज की नहीं है, आज की टिकट थी 21,000 की मिल रही थी हमें, 3 टिकट्स मतलब 7,000 की एक, ये मिली है कल की टिकट 6,000 की थी, 6,000 की मिली एक टिकट तकरीबन 18,000 रुपये, वो भी कल की। तो आज का तो प्लान कैंसिल हो गया कराची का, कल का प्लान है कराची का। फिर अब आज है 17 जुलाई और अभी जो है बैंक से मैं आ रहा हूँ, थोड़ा काम था बैंक गया था, उसके अलावा आज हमारी जो है ट्रेन की टिकट्स हुई हुई हैं। तो तकरीबन हमें निकला 3 बजे यहाँ से ना, कज़न आएगा मैं लेगा और छोड़ेगा, तो इंशाल्लाह उसके लिए भी निकलेंगे। फिलहाल जो है अभी नाश्ता वगैरह करते हैं और फिर तैयारी करते जाने की। अभी जो है मम्मा ने कबाब बनाए थोड़े से, कह रहे चख लो टेस्ट कर लो, क्योंकि वो सारे बना रही है कबाब का ना, तो मैंने कहा जी दे दें, चख लेता हूँ मैं। यार अभी जो हम लोग आ गए हैं रेलवे स्टेशन, ये है जी हमारे मोहसिन भाई द यूट्यूबर हैं, इनके साथ हम जा रहे हैं जी कराची। अभी वेटिंग एरिया पर हैं पड़े हम लोग, इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन का, वो लेट थोड़ा सा लेट है। ये जो है मेरे कज़न भी हैं, खाला के बेटे हैं, ये हमें आज गाइड करेंगे कराची में, है मोहसिन वैसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, ये पैसे बहुत जाते हैं कराची। तो यार ट्रेन जो है वो एज़ यूजल लेट है, मैंने कहा मैं आप लोगों को जो है ना भावलपुर का स्टेशन दिखा दूँ। तो स्टेशन तो काफ़ी अच्छा बना है भावलपुर का, ये वैसे लॉबी टाइप बनी हुई है, बाहर पहले आप लोगों ने देख लिया वो है जी ट्रैक, वहाँ पर ट्रेन वगैरह कर रुकेगी। और ये स्टेशन जो है बनाया है जी इमरान खान साहब ने, चेक करें बस, बाकी सब लोग तो बातें करते हैं लेकिन जो चीज़ इमरान खान साहब करते हैं ना वो फिर कमाल करते हैं। ये चेक करें ट्रेन स्टेशन आगे ट्रैक बना हुआ है, तो नीचे भी चलेंगे हम लोग, अभी ऊपर आए हुए वैसे ही मैंने सामान वगैरह रखा हुआ वेटिंग एरिया बैठे हुए हैं। बाहर वेटिंग एरिया के जो है ना सीन्स वो थोड़े से बैड है, क्योंकि आवाम जो होती है ना वो भी बैड होती है, तो सीन्स भी जो है ना बैड है। तो यार ये आ रही है जी हमारी ट्रेन, आपका भाई जो है ना दूसरी तीसरी तरह ट्रेन में बैठ रहे हैं वैसे, और काफ़ी साल बाद बैठ रहे हैं आप, तो हमारी वैसे कोच नंबर 1 है ये, आ गई जी हमारी ट्रेन। हाय हाय
है ट्रेन में जो हम आकर बैठ गए हैं, और अब जो है ट्रेन निकलने लगी है। ये बाहर का व्यू थोड़ा सा ख़राब है यार, ये देखिए ट्रेन में जो है लाइट चली गई है मतलब ये हालात है पाकिस्तान के, ट्रेन में लाइट चली गई, ट्रेन में भी लाइट जाने लगी। सीन ये है कि गाड़ी रुकी हुई है 15-20 मिनट, रुकी है जंक्शन पर, चल नहीं रही, कब चलेगी? दो सौ यहाँ पे ना जंक्शन पे ये यहाँ पे इंजन के यहाँ पर जो है गाड़ी की सर्विस वगैरह कर रहे हैं। ये है जी समा सटा जंक्शन का बोर्ड, और वैसे काफी मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा दूं मैं ट्रेन का सफर, क्योंकि मैं खुद काफी अरसे बात कर रहा हूँ ना, तो मैं खुद भी जो इसको इंजॉय करूँ, मैंने कहा भी इसको इंजॉय करें। और गर्मी वैसे आज नहीं है इतनी ज्यादा ना, अच्छा मौसम है वैसे। और यार ये है जी डाइनिंग कार ट्रेन का, यहाँ मतलब लोग खाना छाना खाते हैं बैठकर, वो ओवन शोवन लगा हुआ है यहाँ पर। हमने कम भी थोड़ा टूर कर लें ट्रेन का, कैबिन से बाहर बैठे हुए अपने मोहसिन भाई बैठ के फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, और मैं इधर बाहर बैठ के जो है ना व्यू देख रहा हूँ व्यू। हम लोग रुके हुए इधर कानपुर पे, और सफ़र ठीक जा रहा है वैसे। एसी पार्लर जो है वैसे बेस्ट होता है सफ़र के लिए ना ट्रेन में, वरना बाकी इधर भी देखे मैंने वो फारे हैं सारे के सारे। बस यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद अगला स्टॉप है हमारा हिमर खान। तो अभी जो है ट्रेन में एक कज़न है वो देख रहे हैं जी ये विंग्स, और साथ में है जी पिज़्ज़ा। तो ट्रेन में भी जो है ना हमारा ऑर्डर आ गया, तो अब बैठ के जो है खाते हैं इसको। सीन है खाना छाना खा लिया, और अब आपका भैया के जो थोड़ी बर्थडे, यहाँ पर हम सोएंगे, बैग तकिया बना लिया और चादर हमारे पास है पड़ी, तो अब सोते हैं और सुबह जाएंगे जी। अब सुबह तकरीबन 7 बजे पहुँचेंगे हम कराची। सर अभी जो हम सिद्ध बेंटर हो गए हैं, और यहाँ रुके हैं जी रोड़ी जंक्शन पे, यहाँ से कुछ चाय पानी करते हैं और फिर जो है ना आगे चलेंगे। तो अभी जो यहीं से चाय ली है, और लाइट चली गई है बाहर, तो चाय लेके जो है ना मैं अंदर आ गया। सब लोग जो है ना सो गए, और बैग को मैंने तकिया बनाया हुआ है। रात के तकरीबन 12 बज रहे हैं, रात तकरीबन 1 बज रहे हैं बल्कि, और अभी भी जो है ना कराची तकरीबन चल रहा है हमारे से 6 घंटे। सुबह 7:30 बजे पहुँचेंगे हम लोग ना कराची। सब लोग जो है ना उठना है इस टाइम, लाइट जल रही है और सफ़र जो है ना वो जारी हो सारी है। कल का दिन जो है बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है, क्योंकि सुबह मेरे को नाफे ही पहुँच जाएगा, उसका चेकअप वगैरह भी कराना है। तो बस आप उससे गुजारिश है कि दुआ कीजिएगा उसके लिए भी, और उसको जो है ना अपनी दुआ में ज़्यादा ना करें, बाकी अल्लाह पे छोड़ दिया, देखते हैं क्या होता है। और इस ब्लॉग को जो स्प्रेड करता हूँ, मुझे एक पसंद है, साथ ही जो ज़्यादा सीधा वीडियो बनाई थी।